तो लगातार राहुल को बचाना है, ये मुहिम लगातार जारी थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी। लगातार ये आप कहते थे कि राहुल अपने माँ के कोख में खेलेगा, वो वक्त आ चुका है। किस तरह दिख रहे हैं, किस तरीके से चेहरे पर मुस्कान है? देखिए, आज ऐसा कौन माँ होगा जो अपने बेटे को पाने के खुशी नहीं होगा? आज ये राहुल कोई एक माँ का बेटा नहीं है। आपके जितने दर्शक हैं, जितने चैनल को देख रहे हैं, उन लोग कह रहे होंगे कि राहुल मेरा बेटा है, राहुल मेरा भाई है, राहुल मेरा भतीजा है। ये आज सिद्ध करके दिखा दिया कि माँ के दुआओं में कितना आज दम होती है। और मैं पहले भी इस बात को बोलता था, जिस प्रदेश का मुखिया माननीय भूपेश बघेल जैसा हो, जो रात के 2 बजे फ़ोन करके पूछे कि मेरा राहुल की क्या हालचाल है, वो परिवार को मनोबल बढ़ाने के लिए बोले कि चिंता मत करना, आपका बेटा ठीक होगा, मैं हूँ, तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से बात करते थे, तो अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छोटे से छोटे जो भी कर्मचारी थे, उनका मनोबल बढ़ता था। इसलिए देखे होंगे रात रात भर लोग जागते थे, यहाँ तक कि नहाए खाना पीना छोड़ करके राहुल को जो है कितना जल्दी लाए बाहर, ये उसके लिए सब लगे हुए थे। उसी का परिणाम आज ये हुआ कि आज राहुल का माँ, अर्थात वो माँ जो अपने छाती को ठोक ठोक के कहता था कि मैं राहुल कब आएगा, आज वो माँ का गोद सुना होने से बच गया। और तमाम माँ ये कह दिया कि सही में अगर दुनिया में कोई ताकत है तो माँ की ममता, और माँ के ममता जीत गया। और एक राहुल नहीं, एक राहुल फाइटर मैन बन करके आज वो 60 फीट के गहराई से 4 दिन से लड़ करके आज जिंदगी और मौत के बीच से आ रहा है। इसलिए मैं राहुल नहीं, राहुल फाइटर मैन बोलूँगा। अंदर से क्या कुछ जानकारी है, किस स्थिति में भी राहुल? वो डॉक्टर विभाग और तमाम जो टीम है बता दी है कि स्वास्थ्य बढ़िया है, ठीक है। हालांकि 4 दिन के अंदर रहने से तो भाई ये तो स्वाभाविक बात है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि राहुल अभी स्वस्थ है और बहुत जल्दी हमारे बीच में आएगा। अब क्या होता है कि उसको लाने में और थोड़े से सावधानी बरतने जा रही है कि किसी प्रकार के राहुल को, वो मासूम अबूत बच्चों को किसी प्रकार की कोई चोट ना पहुँचे, ये विशेष तरीके से वहाँ पर देख रेख में उसको बाहर लाया जा रहा है। एक तरफ अंदर में राहुल की जीवटता, जिंदगी की जंग को वो मात देकर आने वाले हैं, दूसरी ओर लोगों की जीवटता जो लगातार राहुल को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, रात रात भर वो यहाँ रुकते थे। किस तरह देखते गांव वालों का जो स्नेह, गांव के आसपास के लोगों की स्नेह, मुख्यमंत्री का स्नेह, विधायकों का स्नेह, अधिकारियों का स्नेह, तमाम जनप्रतिनिधियों के स्नेह, किस तरह से देखते हैं एकजुटता देखने मिला है? निश्चित तौर पर जो यहाँ का जो है राहुल के प्रति जो प्रेम आप देख रहे हो, इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर है, चारों तरफ देखेंगे तो आदमी की दुआएं, आपके दर्शकों को भी देखते हैं पूरे जो है, जिस प्रकार से हमको जो है आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है, हर चैनलों के माध्यम से पूरे देश में राहुल के लिए, दुआओं के लिए हाथ खड़ा हो रही है। चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, सब पर कहना है कि माँ की ममता एक होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिखाई कोई भी हो, माँ का ममता तो माँ का ममता होता है। तो तमाम प्रकार के वो माँ, उनके लिए दुआ मांगे हैं, ये तमाम लोग देखे हैं कि आज हुजूम उनके लिए जो है उमड़ ऊँची है। मैं ऐसे अबोध बच्चे के लिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उनके लिए आप दुआएं मांगे, इसी के परिणाम स्वरूप आज एक बेटा फिर से माँ के गोद में जाएगा और माँ कहेगा मेरा लाल तू कहाँ था, ऐसे करके उस सीने से लगाएगा। दुनिया देखेगी कि एक अबोध बच्चा इतने लंबा लड़ाई लड़के कैसे अपने घर परिवार के मुस्कान बना, ये आपके माध्यम से पूरा देश देखेगा। आगे कहाँ ले जाया जाएगा, इलाज के लिए किस तरीके से व्यवस्था है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसका इलाज में कोई लापरवाही ना हो, पूरे जो है चारों तरफ देखे होंगे एम्बुलेंस, तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था किया गया है, उसके बावजूद भी विशेष उनका जो है एक यातायात कॉरिडोर बना करके उनको जो है बिलासपुर ले जाया जाएगा, ताकि वहाँ पर और अच्छे से अच्छा राहुल का इलाज किया जा सके। चूँकि 4 दिन तक वो पानी के अंदर में थे, पानी के बीच में था, तो उसके ऊपर
कितना वो लड़ा होगा, कितना संघर्ष किया है, इसलिए किसी प्रकार का कोई लापरवाही ना हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है जिला प्रशासन को कि वो अबोध बच्चे को वहाँ से बिलासपुर के लिए उसको रवाना करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विधायक चंद्रदेव, विधायक चंद्रपुर के राम कुमार यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल ने संघर्ष किया, हिम्मत नहीं आ रहा। उसी तरह जो तमाम रेस्क्यू के टीम है उन्होंने संघर्ष किया, हिम्मत नहीं आ रहा। यही फलस्वरूप है कि आज राहुल हम सबके बीच अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कैमरा पर्सन धनवीर जायरे के साथ आजम कृष्ण शर्मा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।